नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां गाजीपुर जनपद के तहसील जखनिया में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जहां पर संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और जनपद स्तर के सभी उच्च अधिकारियों के आने की सूचना मिलते ही फरियादियों ने सुबह 10 बजे से पहले से ही यहां लाइन लगाना शुरू कर दिया था, जहां पर सभी को यह उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय को यदि हम अपनी शिकायत सुनाएंगे तो उसका जरूर निस्तारण होगा। वहीं जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी लोगों की फरियाद को सुनकर संबंधित विभाग को उचित निर्देश और फटकार भी लगाई कि जो भी आवेदन आ रहे हैं ज्यादातर लंबित मामले हैं, इसके पूर्व में इसका निस्तारण क्यों नहीं किया गया। वहीं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ ही उप जिलाधिकारी महोदय जखनिया, मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर और विद्युत विभाग सहित तमाम विभाग के वरिष्ठ जन यहां उपस्थित थे। सभी लोगों ने मामले का जल्द से जल्द निस्तारण करने का फरियादियों को आश्वासन भी दिया और कहा कि मामले का जल्द ही निस्तारण कराया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी महोदय ने संबंधित विभाग और लोगों को उचित निर्देश देते हुए कहा कि आप जो भी मामले आ रहे हैं उसका उचित समय पर निस्तारण जरूर करवाएं। साथ ही कुछ फरियादी भी यहां आए थे, उन फरियादियों ने अपनी फरियाद सुनाई और कहा कि हम पिछले कई बार से तहसील दिवस में आ रहे हैं लेकिन हमारे मामलों का निस्तारण नहीं हो रहा है। कई बार हम लोग यहां आए, आवेदन दिए लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी घर बैठे ही मामले का निस्तारण कर देते हैं, मौके पर नहीं जाते हैं, जिससे जैसे ही हमें पता चला जिलाधिकारी महोदय आ रही हैं, हम लोग सुबह से ही बगैर खाए पिए यहां लाइन में लग गए। वहीं जिलाधिकारी महोदय सहित हर विभाग से राजस्व निरीक्षक, कानूनगो और तमाम एडीओ पंचायत, बिजली विभाग के अभियंता, पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण के कर्मचारी और अभियंता, जल निगम के अधिकारीगण सहित तमाम विभाग से लोग यहां आए थे और जो भी फरियाद आई जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय ने संबंधित विभाग के कर्मचारियों को बुलाकर जल्द निस्तारित करने का निर्देश दिया। वहीं कुछ फरियादियों ने क्या कुछ कहा, किस तरह से उनकी क्या व्यवस्था रही, आइए हम पूरी जानकारी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। महेंद्र पासवान, कहाँ के रहने वाले हैं? दामोदर। क्या मामला है आपका? मामला हमारा बरसों से खेती हो रहा था, जमीन है और हम लोग जोत बो रहे थे, उसमें आज साल दो साल से जोतने बोने नहीं दे रहे हैं। हम लोग बार बार थाने पर जा रहे हैं, डीएम साहब के जा रहे हैं, बोलते हैं नहीं जोते वो, उसमें कोई रोक छेक नहीं है, ये बार बार रोक देते हैं, ट्रैक्टर जाता है तो उसको जबरदस्ती निकाल देते हैं डरुआ करके। कौन रोक रहा है? अविनाश पासवान। इसमें जमीन कैसी है आपकी? चक है क्या? चक है सर, चक है, छह दूर का चक है मेरा। पूरा जमीन रुका हुआ है? हाँ, पूरा जमीन रुका हुआ है। कब से रुका हुआ है? अरे रुका है 3 महीने से, खेती नहीं हो रही है। नहीं होने, क्यों रोक रहे हैं वो? वो बोलते हैं कि हमारा चक उधर गया है, इसीलिए पूरा जमीन रोक दे रहे हैं। हाँ। स्वयं रोक रहे हैं कि अधिकारी जाकर रोक रहे हैं? नहीं, अधिकारी नहीं, वो स्वयं अधिकारी पुलिस स्टेशन सब लोग दो दो बार जाकर के सालम हुआ कि नहीं अपना जोते वो, जब तक केस चल रहे तब तक हम जोते वो, उसमें कोई रोक सकते हैं, लेकिन हम ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं तो फिर किसी से जाकर के धरती पड़ती देकर के ट्रैक्टर निकलवा दे रहे हैं। आपने किसी शिकायत किया है? हम लोग थाना पर भी गए थे, यहाँ पर भी बता, हर जगह तो बता रहे हैं, लेकिन आज डीएम साहब से मिले हैं? हाँ, डीएम साहब भी बोले कि नहीं जब तक उस वक्त केस तो है अपना जोते वो, जब तक केस नहीं होती होती है तब तक। दिव्यांग है? हाँ सर। क्या नाम है आपका? मीरा भाटी। क्या परेशानी है? परेशानी हमारी ये है कि हमारा गांव सुल्तानपुर में घर है और जो रेलवे से होकर आता है अम्बेडकर मूर्ति से रास्ता, वहीं से रास्ता आता है और जो राम जन्म यात्रा काली माई के स्थान पर, वहाँ से और एक अम्बेडकर मूर्ति के आगे, ये दोनों जो रास्ता उधर भी है इधर भी है और बीच में जो राम जन्म जाती है सर, वहाँ से वो रास्ता खत्म कर दिया। और सौरभ सिंह नटवाल सर गए थे तो उन्होंने चिन्हित नहीं कर पाया, कैसे भी हम लोग समझ में नहीं आया और वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, वो भी चले गए वहाँ।
जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ परेशान है कि मतलब रास्ता हो जाएगी, सबको आने जाना है और बराबर कचरा रहता है। हमारा मशीन का पानी है तो कहीं जा नहीं पाता है, वही जम रहता है और बराबर क्या बरसात है क्या सूखा है कोई भी समझ नहीं आता, बराबर हम लोग फ्यूचर में आते जाते हैं। हमारी यही मांग है कि हमको रास्ता चाहिए और नक्शे के थ्रू चाहिए। तहसील दिवस में आवेदन दी है? हाँ, आवेदन दिए हैं तहसील दिवस। क्या बोले? बोले हैं कि ठीक है हम नायक साहब से पूछेंगे। वहीं कुछ बच्चे खेल में रुचि रखने वाले स्टेडियम की मांग को लेकर जिलाधिकारी महोदय से गुहार लगाई। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। क्या नाम आपका? मेरा नाम अरुण सिंह चौहान होगा और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जिला गाजीपुर ग्राम सभा जलालाबाद मड़िया का रहने वाला हूँ। क्या परेशानी है जो इतने बच्चों के साथ आ पाए? परेशानी ये कि हमारे ग्राम सभा में कोई अभी खेल का मैदान नहीं है, जबकि खेल का मैदान की जमीन पारित है कई वर्षों से, उस पर कोई कार्य नहीं किया गया और हमने वहाँ एक ग्राउंड छोटा सा बनाया जो कि तालाब की जमीन थी, उसको उस पर सुनने में आया माननीय अधिकारियों द्वारा कि आप उस पर बिजनेस कर रहे थे, तो क्या बच्चों में बिजनेस वहाँ कर रहा था आप लोग के साथ? तो मैं वहाँ बिजनेस नहीं कर रहा था, हम यहाँ से खेल के लिए बढ़ावा देना चाहते कि हमारे क्षेत्र के भी लड़के आगे जाके देश के लिए खेले। अगर विराट कोहली के साथ आज ये दिन हुआ होता उस जहाँ खेलता उस ग्राउंड को जोत दिया जाता तो क्या आज आप देश के लिए इतना बड़ा प्लेयर देख पाते हैं? तो भी तो ऐसे ही निकला होगा खिलाड़ी, तो हम भी उसी की मांग करें कि हमारे क्षेत्र में एक खेल का मैदान दिया जाए और खेल को बनवाया जाए और वहाँ के सारे क्षेत्र के बच्चे जो हैं खेलें और खेल की प्रतिभा जो आगे निकले देश के लिए खेले हो। तो वहाँ पे खेल को बहुत पीछे किया जा रहा है लोगों द्वारा, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है खिलाड़ियों को, उनका हमेशा बैकफुट खींचा जा रहा है कि ये लोग आगे ना बढ़े, उसका गलत गलत हवाला दिया जा रहा है कि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं ये कर रहे हैं, जबकि क्षेत्र में हम रणजी ट्रॉफी में खेलता हूँ, इस समय बंगाल से मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर आके हम अपने ग्राम सभा में अगर निःशुल्क इन लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं तो क्या उसमें बुराई है? मैं आज उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी से भी जानना चाहूँगा कि हमारे ग्राम सभा में एक खेल का मैदान नहीं होना चाहिए, ग्राम प्रधान द्वारा खेल का मैदान नहीं दिया जाना चाहिए। कई लोग ऐसे विकलांग मिले जिनके जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है, आइए इनसे भी सुनते हैं क्या कुछ कहा। क्या नाम आपका? प्रमोद यादव। क्या परेशानी है? परेशानी है कि हमारे यहाँ 84 नंबर रकबे में नसीरपुर जीवन में बंजर है और 115 नंबर सरकारी नाली है जिसपे कि अतिक्रमण है। हमने अतिक्रमण के लिए DM साहब के यहाँ तहसील दिवस और थाना दिवस तीनों पे कम से कम 10 दरखास्त दिए, जिसमें कि अभी तक रिपोर्ट लगी लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। और हम लोग जिसमें अतिक्रमण है वो गांव का मुख्य रास्ता है और उसी बंजर से हम लोग आते जाते थे, जिसमें कि बांस बल्ली बांध करके कब्जा किया गया है और जो है कि कई बार दरखास्त दिए, अभी तक रास्ता खाली नहीं कराया गया। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? 10 बार से ऊपर हो गया, पोर्टल पे है 4 बार और DM साहब के यहाँ 2 बार, 4 बार तहसील दिवस में है और 4 बार थाने दिवस पर है। आज संपूर्ण समाधान दिवस है, माननीय जिलाधिकारी महोदय उपस्थित थे, क्या निर्देश मिला, क्या आश्वासन मिला? दरखास्त देने के लिए गए थे तहसीलदार और कानगो साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया कि 2 बजे के बाद क्लियर करा दिया जाएगा। आवेदन दिए हैं आप या आपने? नहीं, आवेदन वापिस करवा दिया गया। वहीं आज संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाले सभी फरियादियों को कतारबद्ध तरीके से प्रशासनिक टीम द्वारा खड़ा कराया गया था और सभी की बारी बारी से जिलाधिकारी महोदया द्वारा फरियाद को सुना गया। सुनने के बाद ही उन्हें संबंधित विभाग को फॉरवर्ड करते हुए जल्द निस्तारित करने का आदेश भी दिया गया। वहीं कुछ महिलाएं भी इसमें आई थी जिनका कहना था कि हम पिछले कई बार से DM साहिबा और तहसील दिवस में फरियाद लेकर आते हैं, अपनी आवेदन देते भी हैं लेकिन उसका निस्तारण नहीं होता है। आइए कुछ महिलाओं द्वारा क्या कुछ बताया जा रहा है वो अभी सुनते हैं। है ना? क्या नाम है आपका? शुभम गुप्ता। क्या परेशानी है? परेशानी गुंडारी की जमीन है जी, हम हर जगह जा रहे हैं, सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, जबरदस्ती हमारे मकान मराई सड़ाई सब बनवा दिए हैं, कोई हमारी सुनवाई न कर रहा है। असल दिवस पर भी 3-4 बजे दरखास्त डाल चुकी हूँ। किस तरह का मकान बनवा रहे हैं? वो मकान बनवा दिए हमारे चक में बनवा दिए हैं सर, एक मकान भी बनवा दिए हैं, 2 आदमी हैं तो उनके दयाल रामा शर्मा और विक्रमा शर्मा, वो दोनों उस पे
भैंस और ट्रैक्टर मशीन हमारे चेक में ले जाकर रख रहे हैं, मना करना पर दो बार हम लोग को मार भी दिए। जमीन किस तरह का है, बाउंड्री उंड्री लगा था आपका? ये हमारी बाउंड्री लगी हुई है, पांच फुट नहीं मरवाए, हमारे सब चारों तरफ से ढा दिए हैं जी, और नाली पंडवा सब बहुआ रहे हैं उसी में, मना करने पर भी मार दिए। आपकी बाउंड्री तोड़ के अंदर बसे हैं लोग? जी, हमारी बाउंड्री तोड़ दिया, अंदर चले गए। पुलिस कभी मौके पर गई थी? पुलिस दरखास्त दिए और पुलिस हमारी जा ना रही, जा रही तो हम लोग को दोषी बना रही है। आपको मारने के लिए कौन कौन लोग आते हैं, विपक्षी, क्या नाम है? नंदलाल शर्मा का बेटा है, तेजन शर्मा है, और तेजन शर्मा है और रजेश्वर है, राम जी है और भीम है। जब आप थाने पर गई थी मारपीट के बाद, तो मुकदमा कायम हुआ है? कुछ नहीं हुआ सर, एसओ साहब कहे तुम्हारी तो रोज ही काम है, हमको वहाँ से भगा दिए, उन लोग के पास पर भी है सोरस है। कौन सा थाना है आपको? बिरनो थाना है। बिरनो थाने के एसओ ने क्या कहा? कहे कि तुम्हारी तो रोज की काम है, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, तुम जाओ घर। तहसील कौन सा लगता है? जखनिया है। जखनिया अभी भी बसे हैं लोग या अभी भी है सर? अभी रात भी मड़ी रखे हैं वहाँ पर, बोलने गए तो हम लोग की जान से मरने की धमकी दे रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं तो क्या बताई हैं? ये बोले हैं कि ठीक है तुम्हारा काम हो जाए, हर बे तो सर वही कह रहे हैं कि चलो तुम्हारा काम हो जाए। 3 साल से यहाँ आए हैं, पक्की फरमाइश अभी नापी हम करवाए हैं कि चलो सब ठीक है, हमारी सर पक्की फरमाइश हो जाएगी तो हमारी नापी हो जाएगी तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा तो वो भी नहीं नापी हो रही है। कितनी बार तहरीर दिए आप, कितनी बार आवेदन दिए? अभी हम 10 बार दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। कभी थाना जा रहे हैं, कभी तहसील पर आ रहे हैं, कभी गाजीपुर जा रहे हैं, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। इस पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड भी करें। धन्यवाद।